वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए उसे पुकारो। कामिल तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कबूलियत से दुआ के जो वाक़यात पेश किए जा रहे हैं, ये उसी का इस खुतबे में इसी मज़मून को आगे बढ़ाया जा रहा है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस जगह एक ताज़ा कबूलियत दुआ का नमूना जो उससे इससे पहले किसी किताब में नहीं लिखा, नाज़रीन के फ़ायदे के लिए लिखता हूँ। वो यह है कि नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहेब रईस वालेर कोटला माँ अपने भाइयों के सख्त मुश्किलात में फंस गए थे। मिन जुमला उनके ये कि वो वली अहद के मतहत रियाया की तरह करार दिए गए और उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की मगर नाकाम रहे, और सिर्फ आखिरी कोशिश ये बाकी रही थी कि वो नवाब गवर्नर जनरल बहादुर बेअलकाब ही से अपनी दादरसी चाहें, और इसमें भी कुछ उम्मीद न थी क्योंकि उनके बरखिलाफ कतई तौर पर हुकाम मातहत ने फैसला कर दिया था। इस तूफान गम व हम में, जैसा कि इंसान की फितरत में दाखिल है, उन्होंने सिर्फ मुझसे दुआ की ही दरख्वास्त न की बल्कि यह भी वादा किया कि अगर खुदा ताला उन पर रहम करे और इस अजाब से निजात दे तो वो 3,000 नकद रुपया बाद कामयाबी के बिला तवक्कुफ़ लंगर खाना की मदद के लिए इरसाल करेंगे। चुनाचे बहुत सी दुआओं के बाद मुझे ये इल्हाम हुआ कि ए सैफ अपना रुख उस तरफ फेर ले। तब मैंने नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब को इस वही इलाही से तला दी। बाद इसके खुदा तआला ने उन पर रहम किया और साहेब बहादुर वायसराय की अदालत से उनके मतलब और मकसूद और मुराद के मुआफिक हुक्म नाफिज हो गया। तब उन्होंने बिला तवक्कुफ 3,000 रुपये के नोट जो नज़र मुकर्रर हो चुकी थी मुझे दिए, और ये एक बड़ा निशान था जो ज़हूर में आया। एक और मौके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया, देखो पिछले दिनों में मुबारक अहमद को खसरा निकला। उसको इस कदर खुजली हुई होती थी कि वो पलंग पर खड़ा हो जाता था और बदन की बोटियां तोड़ता था। जब किसी बात से फ़ायदा ना हुआ तो मैंने सोचा कि अब दुआ करनी चाहिए। मैंने दुआ की और दुआ से अभी फारिग ही हुआ था कि मैंने देखा कि कुछ ये कशफी नज़ारा है।
मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे चूहों जैसे जानवर मुबारक अहमद को काट रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि इनको चादर में बांधकर बाहर फेंक दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब मैंने बेदारी में देखा तो मुबारक अहमद को बिल्कुल आराम हो गया था। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दुआ का एक वाक़या हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का सुनाते हैं कि एक दफ़ा वो सख्त बीमार हो गए और हालत बहुत तशवीशनाक हो गई और डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनके मुतलक दुआ फरमाई तो ऐन दुआ करते हुए खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ, सलाम कौलम मिन रब्बिर रहीम, यानी तेरी दुआ कबूल हुई और खुदाए रहीम व करीम उस बच्चे के मुतलक तुझे सलामती की बिशारत देता है। चुनांचे इसके जल्द बाद हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हज़रत मसीह मौऊद के अल्फाज नहीं, ये सीरत तैयबा हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब से ली गई है ये रवायत, तेरी दुआ कबूल हुई और खुदाए रहीम व करीम इस बच्चे के मुतलक तुझे सलामती की बिशारत देता है। चुनांचे इसके बाद जल्द बाद हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल तवक्को के खिलाफ सेहत याब हो गए और खुदा ने अपने मसीह के दम से उन्हें शफा बख्शी। इस इल्हाम का एक हिस्सा है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, और ये सूरह यासीन की वो आयत है जिसके मुतल्लिक बयान किया जाता है कि नेक लोगों के वफात के वक्त जब तलावत हो रही हो तो इस आयत पर उनका दम टूटता है। चुनांचे इस बात का मैं भी गवाह हूँ, हज़रत मीर साहब की शदीद अलालत के वक्त सब इकट्ठे हुए थे और आप नज़ा की हालत में थे, सूरह यासीन की तलावत जा रही थी, ऐन उस वक्त जब सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम की आयत तलावत की गई आपका दम निकल गया। तो इल्हाम को देखें किस शान के साथ बार बार पूरा होता है, कहाँ वो वक्त उनकी बीमारी के बचपन का, कहीं कहाँ वफात का वक्त। एक रवायत मियाँ फैयाज अली साहब ने बदरिया तहरीर उससे बयान किया कि मस्जिद कपूरथला हाजी वलीउल्लाह गैर अहमदी लावल्द ने बनाई थी, उसके दो बरादर ज़ादे थे, उन्होंने हबीबुर रहमान साहब को मस्जिद का मुतवल्ली फरमाया और रजिस्ट्री करा दी। मुतवल्ली मस्जिद अहमदी हो गया। जब जमात अहमदिया को अलहदा नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो अहमदियों और गैर अहमदियों में इख्तलाफ पैदा हो गया। गैर अहमदियों ने हुकाम बाला और रऊसाए शहर के इमाम से मस्जिद पर जबरन कब्जा कर लिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमको हुक्म दिया कि अपने हकूक़ को छोड़ना गुनाह है, अदालत में चारा जोई करो। इस हुक्म के मतहत हमने अदालत में दावा दायर कर दिया। ये मुकदमा 7 बरस तक चलता रहा। उन अयाम में जमात अहमदिया अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करती थी, खाकसार हमेशा हुजूर की खिदमत में दुआ के लिए अर्ज करता रहता था। एक दफ़ा हुजूर दिल्ली से कादियान वापस आ रहे थे कि लुधियाने में हुजूर का लेक्चर हुआ। लेक्चर सुनने के लिए खाकसार और मुंशी अब्दुल रहमान साहब मरहूम लुधियाना गए। लेक्चर ख़त्म होने पर खाकसार ने मस्जिद कपूरथला के वास्ते दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत अक़दस ने इरशाद फरमाया कि यह सिलसिला खुदा की तरफ से है तो मस्जिद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अब ये भी ख़ास वक्त की निकली हुई बातें औलियाउल्लाह और बुजुर्ग और अंबिया की बहन ही किस तरह उस शान से पूरी होती हैं, ये इसकी तस्वीर सुनिए। ये सिलसिला खुदा की तरफ से है तो मस्जिद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। उस वक्त चेहरे मुबारक पर एक जलाल रूनुमा था। इस पेशगोई को सुनकर बहुत खुशी हुई जिसका इजहार अखबारों में भी हो गया। मैंने तहरीर और तकरीर में हर एक मुद्दा आलह से इस पेशगोई का इजहार कर दिया और मैंने तहदी के साथ मुद्दा आलह पर हुज्जत तमाम कर दी कि अपनी हर मुमकिन कोशिश कर लो, अगरचे हुकाम भी गैर अहमदी हैं जिन पर तुम सबको भरोसा है, मगर मस्जिद ज़रूर हमारे पास वापस आएगी।
मेरे ससुराल पर डॉक्टर शफात अहमद कपूर सल्ला ने वादा किया कि अगर मस्जिद तुम्हारे पास वापस चली गई तो मैं मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आऊँगा। मैं एक मरतबा ज़रूरतन लाहौर गया और जुमा अदा करने अहमदिया मस्जिद में चला गया। ख्वाजा कमालुद्दीन से इस पेशगोई का जिक्र आ गया। उन्होंने कहा कि मिंबर पर चढ़कर सबको सुना दो। मैंने मुफस्सल हालात और ये पेशगोई अहबाब को सुनाई ताकि पेशगोई पूरा होने पर जमात की तकवीयत ईमान का बाइस हो। पहली और दूसरी दो अदालतों में बावजूद मुद्दा अलहम की कोशिश और सही के मुकदमा अहमदियों के हक में हुआ। डॉक्टर सादिक अली इन हर दो काम का मौलज खास था और उसने बड़ी कोशिश की। आखिर उसकी अपील आखिरी अदालत में दायर हुई। ये हाकिम गैर अहमदी था। मुकदमा पेश होने पर उसने हुक्म दे दिया कि मस्जिद गैर अहमदी की बनाई हुई है, इसलिए इस मस्जिद में अहमदी का कोई हक नहीं। क्योंकि अहमदी जमात ने जदीद नबी के दावा को कबूल कर लिया है, इसलिए वो अपनी मस्जिद अलहदा बनाएं। परसों मैं हुक्म लिखकर फैसला सुनाऊंगा। डॉक्टर शफात अहमद ने मुझसे कहा कि कहो साहेब, मिर्जा साहब की पेशगोई कहाँ गई? मस्जिद का फैसला तो तुमने सुन ही लिया। मैंने उसको जवाब दिया कि शफात अहमद, अभी दो तीन रोज दरमियान में हैं और हमारे तुम्हारे दरमियान अहकमुल हकीमीन की हस्ती है। इस बात का इंतजार करो कि वो क्या फैसला करता है। याद रखो, जमीन और आसमान टल जाएं, मगर खुदा की जो बातें मसीह मौत की जुबान से निकल चुकी हैं वो नहीं टलेंगी। मेरी इस तहदीस से वो हैरत ज्यादा रह गया। रात को हबीबुर रहमान मुतवली मस्जिद ने ख्वाब में देखा और जमात को वो ख्वाब भी सुनाया कि ये हाकिम हमारी मस्जिद का फैसला नहीं करेगा, इसका फैसला करने वाला और हाकिम है। ये ख्वाब भी मुद्दा अलहम को सुना दी गई। मुद्दा अलहम हमारी इन बातों से हैरत ज़दा हो जाते थे क्योंकि फैसले में दो रोज बाकी थे और हाकिम अपना फैसला जाहिर कर चुका था। एक अहमदी कहता है, जमीन आसमान टल जाएं मगर मसीह मौत की पेशगोई पूरी होकर रहेगी। दूसरा कहता है, ये हाकिम फैसला नहीं करेगा और वो और है जो फैसला करेगा। मुकर्रर दिन आ गया मगर हाकिम फैसला नहीं लिख सका, दूसरी तारीख डाल दी। और हर पेशी पर खुदा ऐसे असबाब पैदा कर देता रहा कि वो हाकिम फैसला ना लिख सका। इससे मुखालिफों में मायूसी पैदा हो गई कि कहीं पेशगोई पूरी ही ना हो जाए। इसी असना में अब्दुल समी अहमदी ने एक रोया देखा जो इस वक्त कादियान में मौजूद है कि मैं बाजार में जा रहा हूँ, रास्ते में एक शख्स मुझे मिला और उसने कहा कि तुम्हारी मस्जिद का फैसला करने वाला हाकिम फौत हो गया है। ये ख्वाब भी मुखालफों को सुना दी गई। एक हफ्ते के बाद अब्दुल समी मजकूर बाजार में जा रहा था कि उसी मौके पर वो शख्स जिसने ख्वाब में कहा था कि तुम्हारी मस्जिद का फैसला करने वाला हाकिम फौत हो गया है, उनको मिला और उसने हाकिम की मौत की खबर दी। हाकिम की मौत का वाकया यूं हुआ कि हाकिम खाना खाकर कचहरी जाने के लिए वास्ते तैयारी कर रहा था। सवारी आ गई थी, खिदमतगार किसी काम के लिए बावर्ची खाने में गया ही था कि दफ़तन हरकत कल बंद हुई और वह हाकिम वहीं फौत हो गया। उसके मातम पर लोग आम गुफ्तगू करते थे कि अब हमारे पास मस्जिद की रहने की कोई सूरत नहीं। अब देखें, इससे भी अजीम शान वाकया ये कि इसके बाद एक आरिया हाकम फैसले के लिए मुकर हुआ जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का शदीद दुश्मन था और वो भी मुखालफों की तरफ ही मायल था। आखिर वकला की बहस के बाद ये बात करार पाई कि किसी अंग्रेजी इलाके के बैरिस्टर से फैसले की राय ली जाए। 50 रुपया फ्रीकैन से फीस के लिए लिए गए और उस हाकिम ने अपने करीबी रिश्तेदार आर्या बैरिस्टर के पास मशवरे के वास्ते मिसल भेज दी। इस जगह भी गैर अहमदियों ने बेहद कोशिशें की और ये बात काबिल गौर है कि मुकदमे में किस तरह पेज दर पेज पढ़ते चले जा रहे थे। हाँ, अदालत इब्तदाई के दौरान में एक अहमदी ने ख्वाब देखा था कि एक मकान बनाया जा रहा है, उसकी चारों तरफ की दीवारें गैर अहमदियों के वास्ते तमीर की गई हैं,
मगर छत सिर्फ अहमदियों के वास्ते जारी हुई है, जिसके साय में वो रहेंगे। जिससे मुराद ये थी कि गो मिस्र का फैसला गैर अहमदियों के हक में लिखा जा रहा है, लेकिन जब हुक्म सुनाने का मौका आएगा तो मस्जिद अहमदियों को ही दी जाएगी। और यही हुआ, जिस तरह कोई बड़ा ताकत कलम को रोक देती है और बेख्तियार हाकिम के कलम से अहमदियों के हक में फैसला निकाल देती है, और हर एक अदालत में यही बात हुई। मैंने भी ख्वाब देखा कि आसमान पर हमारी मिसल पेश हुई और हमारे हक में फैसला हुआ। मैंने अपना यह ख्वाब वकील को बता दिया। वो मिसल देखने के लिए अदालत गया, उसने आकर कहा तुम्हारा ख्वाब बड़ा अजीब है कि फैसला हो गया, हालांकि बैरिस्टर के पास अभी मिसल भेजी भी नहीं गई। मैंने उससे कहा कि एक सबसे बड़ा हाकिम आला है, उसकी अदालत से फैसला हुआ है। ये दुनिया की अदालतें इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आखिर उस आरिया बैरिस्टर ने एमडीओ के हक में फैसला की राय दी और मिसल वापस आ गई और हुक्म सुना दिया गया। हमारे वकील ने कहा कि जाहिरी सूरत में हम हैरान थे कि किस तरह मस्जिद तुमको मिल सकती है, मगर मालूम होता है कि तुम्हारे साथ खुदा की इमदाद है, तभी मस्जिद मिल गई। लेकिन अफसोस है, इस पेशगोई के पूरा होने पर भी शफात अहमद ईमान न लाया। सिफत एहया मोहता की तजली के ज़िमन में हज़रत मिर्ज़ा खुदा बख्श साहेब ये वाक़ बयान करते हैं। करीबन 2 साल का अरसा हुआ कि बरखुरदार अताउर रहमान, जो आजिज़ का इस वक्त अकलौता बेटा था, हमारे किसी गुनाह की शामत से वो अचानक एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी में मुबतला हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। उसके हाथ पाँव की नब्ज़ साकित हो चुकी थी, जिस्म बेहद सुहरकत और सर्द हो चुका था, और सिर्फ गले में एक आखिरी सांस जो नज़ा के वक्त नरखरे की आवाज़ किसी होती है बाकी रह गई थी। आंखें अंदर घुस गई थीं और सफ़ेद निकल आई थीं और हल्के हल्के चश्म के स्याह हो गए थे। ये हालत ज़ार देखकर उसकी वालदा पर रंज व गम से गशी तारी हो गई थी और दांत दांत से मिल गए थे, और हाथ, जिसको दंदल पड़ना कहते हैं पंजाबी में, और हाथ पांव और जिस्म भी सर्द हो गया था। मस्तूरात को बच्चे की मौत का ख्याल तो जाता रहा, उसकी माँ की मौत की फिक्र हो गई। हजरत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको इस आजिज की अहलियत से खास उनस व मोहब्बत है, इस नज़ारे को बर्दाश्त ना करके रोती हुई हजरत अब्दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में गाएं फरमाया कि अतारमान तो मर चुका है, लेकिन उसकी माँ उससे भी पहले मरती नजर आती है, कोई सूरत करनी चाहिए जिससे वो बच जाए। हजरत अकदस को इस हादसे जहाँ का से सख्त सदमा पहुंचा। उसी वक्त दुआ में मसरूफ हुए, अभी सजदे में थे कि बच्चे ने आंख खोल दी। इस पर मस्तूरात का हौसला बढ़ा, झट उसकी माँ के पांव मलने और रख रख के गुलाब छिड़कना शुरू किया और दांत खोलने की बड़ी कोशिश की गई। बड़ी देर के बाद उन्होंने आंख खोली। गरज इस मुसीबत के बाद अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुस की दुआ से दोनों माँ बेटे की जान असर नौ बख्शी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हजरत मौली अब्दुल करीम साहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक दस्ती खत, जो इसी नोटबुक पर उन्होंने गालिबन लाहौर के अहमदी अहबाब के नाम पेंसिल से लिखा था, वो ये था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं कई रोज़ बहुत बीमार रहा, सेहत ख़राब हो गई है। 3 रोज हुए बशीर महमूद को सख्त बुखार हुआ, फरमाया मैंने दुआ करने का इरादा किया तो मेरे दिल में आया कि आप ये मुझे मुखातब करके फरमाया बीमार हैं और मौली नूरुद्दीन भी बीमार हैं। फिर तीनों के लिए दुआ की, इल्हाम हुआ लिल अतबाए वल औलाद, यानी तेरी औलाद और तेरे पैरों के हक में तेरी दुआ सुनी गई, और इस तरह वो तीनों अल्लाह ताला के फजल से शफायाब हुए। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं, शेख नूर अहमद साहेब डॉक्टर का बेटा सख्त बीमार हो गया, उम्मु सिबियान का दौरा हो गया, ये मिर्गी की मर्ज़ है, यास की हालत पैदा हो गई। हजरत ने दुआ की, इल्हाम हुआ इन्नल्लाह ज़ुल्मिनन, लड़का अच्छा हो गया। शेख साहब को मुबारकबाद दे दी गई। बरादर रान
ऐसा रहीम दुआ गो और शफी दुनिया में कोई और भी है? मुबारक है वो जो उसके फितराक से वाबस्ता हो। काठी के पीछे जो एक फीता होता है जिसमें शिकार लटकाया जाता है उसको फितराक कहते हैं। रवायत मियां मीरा बख्श साहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो वल मियां रसूल बख्श साहेब सियालकोट, हम जलसे पर कादियान गए थे, वहां जाकर बैत की। हुजूर फरमाया करते थे कि यहां बार बार आया करो, ये मसीह का जमाना है जिसकी लोग इंतजार करते थे, ये फिर हाथ नहीं आएगा। एक दफा मैं सख्त बीमार हो गया, यहां तक कि सिर्फ पंजर रह गया। मैंने हुजूर की खिदमत में दुआ के लिए लिखा, हुजूर की तरफ से जवाब आया कि दुआ की गई, अल्लाह ताला शफा देगा। इसके बाद मैं खुदा ताला के फजल से अच्छा हो गया, चुनाचे बड़े बड़े लायक हकीम लाइलाज समझ चुके थे और यानी इस मर्ज को लाइलाज समझ चुके थे और इलाज बंद कर दिया था। एक रवायत हजरत चौधरी अहमदीन साहब वकील गुजरात की है, मियाँ गुलाम अहमद साहब को एक असमी दर्द उठा करता था जो सर से होकर आंख के पास से गुजरता हुआ बाज दाढ़ों से होकर ठोड़ी तक पहुंचता था और दर्द के वक्त उनकी हालत ये हो जाती थी कि अपने दोनों हाथों से वो सर और आंख और ठोड़ी को बवजह शिद्दत तकलीफ के दबाकर गर्दन को नीचे झुका लेते थे और देखने वालों को ऐसा मालूम होता था कि उसको नहायत ही सख्त तकलीफ है। चुनाचे उन्होंने अपनी इस बीमारी का कई जगह से इलाज कराया, जहाँ जहाँ भी उन्होंने तबीबों और डॉक्टरों के पास इलाज कराया, कहीं से भी फाके की सूरत न हो सकी। चुनाचे इस तकलीफ में साल हा साल गुजर गए। उन्होंने इसके मुतालिक ये भी जिक्र किया कि इस बीमारी का डॉक्टरों और तबीबों को कुछ भी पता नहीं लग सका कि ये क्या बीमारी है और इसका सबब क्या है। आखिर एक दिन मैंने उन्हें कहा कि अगर आप कादियान चलें तो वहाँ हजरत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इलाज करवा के देखें, शायद फ़ायदा हो जाए, और हजरत अकदस से भी दुआ कराएं। चुनाचे वो कादियान में गए, मैं वहाँ मौजूद था। वो कुछ अरसे तक हजरत मौलवी साहब से दवाई लेकर इस्तेमाल करते रहे लेकिन उनको कुछ वाक़ा न हुआ। एक दिन मैंने एक पंजाबी नज़म लिख कर जो मियाँ गुलाम अहमद साहब की तरफ से थी और बग़रज़ दरख्वास्त दुआ थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हुज़ूर उस वक्त पेश की जबकि हुज़ूर सैर से वापस तशरीफ़ लाए और सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे से सात के छोटे से सहन में दाखिल हुए जिससे आगे मकान वाला दरवाज़ा है। जब हजरत अक़दस ने दरवाजे के अंदर दो तीन ही कदम उठाए होंगे कि हम दोनों हुज़ूर के आगे पेश हो गए और वरख़ रुख़ा दरख्वास्त दुआ वाला पेश कर दिया। इसका आखिरी शेर जो मियाँ गुलाम अहमद की तरफ से मैंने लिखा था वो अब तक मुझे याद है और मियाँ गुलाम अहमद साहब मरहूम भी ज़िंदगी भर इस शेर को पढ़ा करते थे। वो शेर ये था, नाम गुलाम मोहम्मद मेरा, मैं तेरे विच गुलामा, भर के नज़र करम दी मैं वल तकी पाक इमामा। इस शेर को पढ़कर हजूर ने उनकी तरफ मुखातब करके फरमाया, आपका नाम गुलाम है? फिर मेरी तरफ तवज्जो फरमा कर फरमाया कि यह नज़म आपने लिखी है? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैंने ही लिखी है। हुज़ूर ने मियाँ गुलाम अहमद की तरफ अच्छी तरह से बनज़र शफ़क़त देखा और फरमाया कि हम दुआ करेंगे। इसके बाद हम नीचे उतरा और गुलाम अहमद उसी वक्त से फाका हो गया और उसकी तकलीफ रफा हो गई और अरसा दराज तक इस तकलीफ़ ने औद न किया। ये मसीही एजाज भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के निशान हाय बरकत व सदाकत से है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब शम्स ने अपने एक मज़मून में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एजाजी शफा के वाक़ियात बयान करते हुए एक वाक़िया इस तरह दर्ज फरमाया है, आज दमिश्क में सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहब ने मुझसे बयान किया कि मेरी वालिदा साहबा सैयदा बेगम की बैत का बायस ये हुआ कि वालिद साहब ने पहले पोशीदा तौर पर बैत की हुई थी और किसी को अपनी बैत की खबर नहीं दी। उन्हें याम में जबकि वो बैत करके आए हुए थे, वालदा साहबा मर्ज सिल से बीमार थीं और 5-6 महीने के अंदर आपकी हालत दिगरगुं हो गई थी। याद रखें उस जमाने में सिल का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, आजकल तो नई दवाएं इजाद हो चुकी हैं लेकिन उस जमाने में कोई इलाज नहीं था।
आखिरी रात मायूसी की वो थी जबकि वालिद साहब सियालकोट किसी शहादत पर गए हुए थे और वालदा साहब बीमारी से इस कदर लाचार हो गई कि चरपाई से उठना भी महाल था। और मुझे याद है कि एक रात जबकि हम समझते थे कि आज आखिरी रात है, हम सब बहन भाई चरपाई के गिर्द गिर्द खड़े रो रहे थे। जब 11 बजे के करीब मैं सोने के कमरे में गया तो मुझे यकीन था कि वालदा साहबा को जिंदा नहीं पाएंगे। जब सुबह हुई तो मैं हजरत वालदा साहबा के पास गया तो आपको इत्मीनान की हालत में पाया। देखकर हमें नहायत ही तजू हुआ कि वो बुखार है, ना खांसी ना बलगम। आपने हमको देखकर फरमाया कि मुझे यकीन हो गया है कि मैं सेहत याब हो जाऊंगी और इस बीमारी से फौत नहीं होंगी। और इस पर अपना उस रात का ख्वाब सुनाया कि मैंने आज रात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को देखा है कि बहुत सी मखलूक़ात है और सब तरफ लोग कह रहे हैं कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। इतने में क्या देखती हूँ कि एक शख्स कसीर तादाद आदमियों के साथ चले आ रहे हैं और उनके ऊपर दो शख्सों ने दाएं बाएं से चतर ताना हुआ है। वालदा साहबा ने यह सुनकर कि ये महदी हैं अपनी उंगली से उनको मुखातब करते हुए अपने सीने की तरफ इशारा किया कि अगर आप महदी मऊद हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं शफा पा जाऊं। इस पर हजरत महदी ने एक आप खोरे में पानी दम करके एक छोटे से बच्चे के हाथ भेजा और कहा कि ये पी लो, शफा हो जाएगी। और ये शफा इस बात की अलामत होगी कि जिसका इंतज़ार किया जाता है वो आ गया है। फरमाने लगी कि इस ख्वाब के बाद जब मेरी आँख खुली है तो तमाम बीमारी के आसार में तख़फ़ीफ़ पाती हूँ और उस वक्त से चंद हफ्ते के अंदर ही आपको मुकम्मल शफा हो गई। वो दिन जब बाहर निकल कर चली हैं हमारे लिए ईद का दिन था। वालिद साहब को जब उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया तो वालिद साहब ने कहा कि वो महदी फिल हकीकत आ गए हैं। और उसी वक्त एक रुके में ये ख्वाब लिख कर एक मेरे मामूजाद भाई के हाथ कादियान की तरफ भेज दिया। चुनांचे हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वालिद साहब को लिख कर भेजा, मैंने दुआ की है, इंशाल्लाह शफा याब हो जाएगी। हजरत वालदा साहबा ने इस ख़त में ही अपनी बैत कर ली थी। शफा होने के बाद ख्वाब में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दोबारा देखा। रवायत हजरत मौलवी गुलाम नबी साहब साबिक मुदर्रिस मदरसा अहमदिया, जबकि कादियान में ताउन पड़ी, मैं भी बमूजिब हुक्म अपनी बीमार बीवी को बाहर ले गया था और बीवी ऐसी बीमार हुई कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ छाती के सांस से मालूम होती थी, बाकी का धड़ मुर्दा हो चुका था। बाजार में सोमराज भगतराज और इच्छर मिले जिन्होंने शिया चंतक अखबार निकाला था और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मेरी बीवी ताऊन से बीमार है, तो कहने लगा कि मैंने किश्ती बनाई, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरह मजाक से जिक्र करते हुए कहा उसने तो लिखा है कि मैंने किश्ती बनाई है, तुम उसमें क्यों ना बैठ गए। मैंने कहा कि हम तो कश्ती में ही बैठे हैं, मगर तुम वो मठेरे बनाओ जो नूह के वक्त मुखालफों ने बनाए थे और उनमें बैठने वाले गर्क हो गए थे। तो जब हजरत हजूर से बीमारी का जिक्र किया तो हजूर ने मुझे सीढ़ियों में ठहरने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम बीमारी वाले घर से आए हो। मैंने हजूर से भगत राम वगैरह की बात का जिक्र किया। हजूर ने फरमाया देखो मसीह मुर्दे जिंदा करता था लेकिन वो हकीकी मुर्दे ना होते थे, वो इसी किस्म के थे जो इस वक्त हमारी जमात में हैं। एक ठेकेदार की बीवी और दूसरे मास्टर मोहम्मदीन जो इस वक्त तालिब इल्म थे और आजकल 1933 में हेड मास्टर हाई स्कूल हैं। जब मैं दवा लेकर आया तो उस वक्त बीवी बेहोश थी, उस बेहोशी में 2 बजे तक रही और हजूर ने दवा देते वक्त फरमाया कि हम भी दुआ करते हैं, तुम भी दुआ करो। दवाई सफ़ेद रंग की मसूर के दानों के बराबर थी। 2 बजे के रात को मुझे आवाज़ आई कि खतरा ना करो और बीवी ने होश में आकर कहा जी मुझे पानी दो। मैंने दवाई बेदमुश के अरक के साथ बीवी को खिला दी। करीबन 3 बजे होंगे जबकि बीवी ने कहा कि मुझे उठाओ। जब बिठाया और मैंने घर में ही नमाज पढ़ी और कुरान शरीफ लेकर निकला था कि आवाज़ आई कि ठेकेदार बाहर आओ, सोमराज इच्छर और मलावम का नवासा मर गए हैं जिन्होंने कहा था।
उनको जलाने के लिए लकड़ी दो। अल्हम्दुलिल्लाह, रवायत हजरत मियाँ रहमतुल्ला साहेब सकना दोल वाला हाल रेदी छल्ला कादियान, मेरी छोटी हमशीरा को ताउन हो गई जो कि उस वक्त खुदा ताला के फजल जो इस वक्त खुदा ताला के फजल से जिंदा मौजूद है। वो दो दिन बिल्कुल बोल न सकी। तीसरे योम कुछ होश आया, इशारे से कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमारे घर में आए हैं और मेरे बदन पर फूंक मारी है। मैं उसी वक्त कादियान पहुंच गया, सारा हाल हजरत को सुना दिया। हुजूर ने फरमाया कि बस अल्लाह ताला ने फजल कर दिया, घबराने की बात नहीं। मुझे हदायत फरमाई कि तोल वाला से इन दिनों में कादियान ना आए, और मैं आपके लिए और आपके घर के लिए दुआ करूँगा। दुआ के लिए हदायत फरमाई कि दुआ कसरत से पढ़ा करो, रब्बे कुल्लो शैन खादिमुक, रब्बे फाफजनी वनसुरनी वरहमनी। उन सुरनी वरहमनी और इस्तिग़फ़ार और ये दुआ बिस्मिल्लाह वल काफ़ी, बिस्मिल्लाह वल शाफ़ी, बिस्मिल्लाह इश्फ़िनी और दुरूद शरीफ फरमाया करते थे। ये दुआ अल्लाह ताला ने मुझे उन्हीं दिनों के लिए सिखाई थी। रवायत हजरत मियाँ गौहद्दीन साहब वल्द मियाँ भागो खादराबाद नवा पिंड मुतसिल कादियान, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद की बस्ती में एक नौजवान को ताउन की मरज हुई। तब खाकसार ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हजूर में आकर अर्ज़ की कि हजूर हमारे गांव में ताउन आ गई है। हजूर ने फरमाया कि जाकर छत पर खड़े होकर ये ऐलान कर दो कि लोगों 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ 1 महीने की रसद लेकर अपना तमाम सामान वगैरह लेकर गांव से बाहर जाकर डेरा लगाने के लिए, जो मेरे साथ आएगा वो तो मेरे साथ रहेगा और जो उसके बाद आएगा उसको हरगिज़ पास न रहने देना। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया और मेरे साथ कुल 1 घर से आदमी शरीक हुए और बाकी लोगों ने ज़िद की। आखिर वो भी चंद दिनों के बाद गांव से बाहर रिहाइश अख्तियार करने के लिए निकले तो मैंने किसी को भी पास न रहने दिया। उन्होंने अलहदा डेरा रखा। मेरे घर का और मेरे साथ निकलने वालों का कोई आदमी भी नहीं मरा ना बीमार हुआ। बाकी गाँव का गाँव ही करीबन तबाह हो गया। कुछ तो मर गए और बहुत सारे बीमार पड़े थे, सिर्फ 3 आदमी तंदुरुस्त थे। मेरे कहने पर उन्होंने ख्वाहिश की कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हजूर जाकर दुआ कराते हैं। चुनांचे उन तीनों को साथ लेकर आया, हजूर को मस्जिद अक्सा की सीढ़ियों पर मिला और उन शख्सों का जिक्र किया। हजूर ने उन तीनों शख्सों को अपने पास बुलवाया और उनसे फरमाया कि मैं अब तो दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह खुदा कबूल फरमाएगा, पर सच्चे दिल से मुसलमान हो जाओ ताकि इस अज़ाब से बच जाओ। अगर फिर गुमराह हो गए तो ऐसा ना हो कि मेरी दुआ भी हज़रत नूह की तरह कबूल ना हो। उसके बाद वो खुद महफूज रह गए और उनके घर के आदमी जो बीमार पड़े थे बग़ैर किसी दवाई के उसी दिन ही से तंदुरुस्त होने शुरू हो गए। चौधरी फजल मोहम्मद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुकानदार हरसियाँ वाले महाजर कादियान, एक दफ़ा हुजूर सैर के वास्ते बाहर गए और मैं भी साथ था। जब वापस तशरीफ लाए और अंदर घर में दाखिल हुए लगे तो मैंने झट आगे होकर अर्ज़ की कि हुजूर मैंने सुना है कि पहले ज़माने में बुज़ुर्ग और अगर किसी को कुछ तकलीफ होती थी उस पर वो अपने मुंह की लुआब लगा दिया करता था तो उसको शफा हो जाती थी। मेरी आंखों पर हमेशा फुंसियाँ निकलती रहती हैं। इस पर हुजूर मुस्करा पड़े और कुछ पढ़ कर आँखों पर दम किया। उस रोज़ से आज तक तकरीबन 35 बरस गुजर गए हैं, मेरी आँख पर कभी फुंसी नहीं हुई, बल्कि मेरी आँखें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कभी दुखने ही नहीं आईं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मज़ीद बयान करते हैं, फरमाते हैं, मैंने देखा कि हजूर मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो मैंने मौका पाकर अर्ज़ की कि हजूर मेरी बाईं रान पर एक गिल्टी है और वो बहुत मुद्दत से है, मुझे डर है कि ये किसी वक्त तकलीफ़ न दे। उस वक्त हजूर के ज़ुबान मुबारक से निकला तकलीफ़ नहीं देगी, आराम आ जाएगा। इस पर एक दवाई का नाम लिया जो मुझे याद न रहा। इसके कुछ दिन बाद उस गिल्टी में दर्द होती होनी शुरू हुई। मुझे ख्याल आया कि हजूर ने जो दवाई बतलाई थी उसका नाम मैं भूल गया हूँ। हैरान था कि क्या करूँ।
इतने में दो तीन दिन के बाद वो गिल्टी ऊपर से खुल गई और फट कर बाहर निकलाई और दो तीन दिन के बाद जख्म साफ हो गया। हजरत शेख मोहम्मद हुसैन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वल गुलाम रसूल साहब प्रिंसिपल सब जज इस्लामिया पार्क लाहौर बयान करते हैं, मेरी बैत 1901 या 1902 की है। मैंने हुजूर को बैत से पहले भी देखा और बैत के बाद आपकी ज़ियारत करता रहा, आपके जनाजे पर भी मौजूद था। हालात दर्ज ज़ैल हैं। एक दफ़ा हजूर अगस गालबन जनवरी का महीना था, सन याद नहीं, मियाँ चिरागुद्दीन साहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वल्द मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब रज़ियल्लाहु मरहम ईसा के मकान पर रात के वक्त ठहरे हुए थे। रात 10 बजे के करीब का वक्त था, उस साल बारिश नहीं हुई थी। हाजिरीन में से किसी ने कहा कि हजूर दुआ करें कि बारिश हो, क्योंकि बारिश के ना होने की वजह से कहत के आसार नज़र आ रहे हैं। हजरत ने दुआ की ना कोई जवाब दिया और बातें होती रहीं। फिर उसी रोज़ या किसी और ने बारिश के लिए दुआ को कहा, मगर फिर भी हुजूर ने कोई तवज्जो ना की। कुछ देर के बाद फिर तीसरी दफ़ा किसी ने दुआ के लिए कहा तो हुजूर ने हाथ उठाए। उस वक्त चांद की रोशनी हो रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का नाम निशान न था। जूं ही कि हजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, एक छोटी सी बदली नमोदार हुई और बारिश की बूंदें पड़ने लगीं। इधर हजूर ने दुआ ख़त्म की, बारिश बंद हो गई। बारिश सिर्फ चंद मिनट ही हुई और आसमान साफ हो गया। ये वाक़या मेरी मौजूदगी में हुआ। ये जो बारिश का वाक़या बयान इन्होंने फरमाया है, इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तकदीर में उस वक्त सब पर मूसलाधार बारिश मुकद्दर नहीं थी, सिर्फ इनको ये दिखाने के लिए कि दुआ कबूल हो जाती है ये मौजज़ा दिखाया गया। हज़रत मोहम्मद अली साहेब वल्द रज़ियल्लाहु वल्द हुसैन बख्श साहब आफ लाहौर बयान करते हैं, जिन दिनों में हजूर के दस्ते मुबारक पर मैंने बैत की उन दिनों में थिएट्रिकल कंपनी में मुलाजिम था। बैत के चंद रोज़ के बाद मैंने हजूर से अर्ज़ की कि हजूर मुझे इस मुलाजमत से कराहत सी पैदा हो गई है, इसलिए मेरा इरादा मुलाजमत छोड़ने का है। फरमाया, हरगिज़ न छोड़ना, रोज़गार मिन जानबिल्ला होता है, आपके लिए दुआ की जाएगी। हजूर की इस्तजाबत दुआ का यह हाल था कि थोड़े अरसे के बाद मुझे थिएटर से प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया, क्योंकि खाकसार कंपोजिटर के काम से वाकिफ था और थिएटर भी सरकारी था और प्रेस भी सरकारी। ये वाक़या रियासत जम्मू का है। हजरत नूर मोहम्मद साहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वल सालिम मोहम्मद साहेब खोखर अमीरपुर ज़िला मुल्तान। एक दफ़ा का जिक्र है कि हाजी मोहम्मद कमलाना पर कत्ल का मुकदमा बन गया। हाजी मोहम्मद साहेब ने मेरे भाई को हुजूर की खिदमत में दुआ के लिए रवाना किया और ये भी कहा कि जब तक हुजूर आपको रुख्सत न करें उस वक्त तक वहीं रहें और हर रोज़ दुआ की दरख्वास्त करते रहें। मेरा भाई एक माह से ज़ायद दिन कादियान रहा और रोज़ाना दुआ की दरख्वास्त करता रहा। जिस दिन हाजी मोहम्मद कमलाना सकना बस्ती वरियाम ज़िला झंग मुकदमा से बरी हुआ, उसी रोज़ हुजूर ने मेरे भाई को इजाज़त फरमाई और हाजी मोहम्मद साहेब के बरी होने के दिन कादियान से रुख्सत होकर रवाना हुए। यह है हुजूर की दुआओं का नतीजा, हुजूर की बातनी सफाई कि एक माह से ज़ायद मेरा भाई कादियान रहा, मगर हुजूर ने हाजी मोहम्मद साहब के बरी होने के रोज़ ही उनको रुख्सत फरमाया। हजरत हकीम अल्लाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हो वल निज़ामुद्दीन साहब बयान करते हैं, मीर आबिद अली शाह साहेब रज़ियल्लाह जो बदोमल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने बयान किया कि हजूर लाहौर तशरीफ़ ले गए थे। मेरा एक दोस्त जिसका नाम सरफराज ख़ान था, उसने कहा कि तुम्हारा जो मसीह है उनके पास मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना कि खुदा ताला मुझको हदायत दे। हुजूर उस वक्त लाहौर में थे और टहल रहे थे, तो मैंने अर्ज़ की कि सरफराज ख़ान के लिए दुआ की जाए। हुजूर ने उसी वक्त हाथ उठाकर दुआ की, जिस वक्त हुजूर ने दुआ की उसी वक्त उसने बैत के लिए ख़त डाल दिया। मीर आबिद अली शाह साहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब अपने गांव को गए तो कहा कि मैंने तेरे लिए हुजूर की खिदमत में दुआ की दरख्वास्त की थी।
सरफराज ने कहा कि मैंने घड़ी रख कर बैत का लिखा था, और शाह साहब ने कहा ऐन उसी वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए दुआ फरमाई थी। मौली रहीम बख्श साहेब MA ने कहा कि मेरे दादा, जिसे लोग आम तौर पर खलीफा कहते थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ मेरा दादा जिसे आम तौर पर लोग खलीफा कहते थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ था, और आपके हक़ में बहुत बदज़ुबानी किया करता था, और वालिद साहब को बहुत तंग किया करता था। वालिद साहब ने उससे तंग आकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए दुआ का ख़त लिखा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जवाब गया कि हमने दुआ की है। वालिद साहब ने यह ख़त तमाम महल्ले वालों को दिखा दिया और कहा कि हज़रत साहब ने दुआ की है, अब देख लेना खलीफा गालियाँ नहीं देगा। दूसरे तीसरे दिन जुमा था। हमारा दादा हज़रत दस्तूर गैरमियों के साथ जुमा पढ़ने गया, मगर वहाँ से वापस आकर गैर मामूली तौर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक में खामोश रहा। हालांकि उसकी आदत थी कि जुमा की नमाज़ पढ़कर घर आने के बाद खुसूसन बहुत गाल दिया करता था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम आज मिर्ज़ा साहेब के मुतलिक खामोश क्यों हो? उसने कहा, किसी के मुतलिक बदज़ुबानी करने से क्या हासिल है, और मौलवी ने भी आज जुमे में वाज किया है कि कोई शख्स अपनी जगह कैसा ही बुरा हो, हमें बदज़ुबानी नहीं करनी चाहिए। लोगों ने कहा कि अच्छा ये बात है, हमेशा तो तुम गालियाँ देते थे और आज तुम्हारा ये ख्याल हो गया है, बल्कि असल बात यह है कि बाबू, मेरे वालिद को लोग बाबू कहते थे, कल ही एक ख़त दिखा रहा कि बाबू कल ही एक ख़त दिखा रहा था कि कादियान से आया है और कहता था कि अब खलीफा गाली नहीं देगा। मौलवी रहीम बख्श साहब कहते थे कि उसके बाद बावजूद कई दफ़ा मुखालफों के भड़काने के, मेरे दादा ने कभी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतलिक बदज़ुबानी नहीं की और कभी मेरे वालिद साहब को अहमियत की वजह से तंग नहीं किया। एक और वाक़या, एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम चहलकदमी से वापस आकर अपने मकान में दाखिल हो रहे थे, किसी साहिल ने दूर से सवाल किया, मगर उस वक्त मिलने वालों की आवाज़ों में उस साहिल की आवाज़ गुम होकर रह गई और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अंदर चले गए। मगर थोड़ी देर के बाद जब लोगों की आवाज़ों से दूर हो जाने की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कानों में उस साहिल की दुख भरी आवाज़ की गूंज उठी, तो आपने बाहर आकर पूछा कि एक साहिल ने सवाल किया था, वो कहाँ है? लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत वो तो उसी वक्त यहाँ से चला गया था। उसके बाद आप अंदरून खाना तशरीफ़ ले गए, मगर दिल बेचैन था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़े पर उसी साहिल की फिर आवाज़ आई और आप लपक कर बाहर आए और उसके हाथ पर कुछ रकम रख दी और साथ ही फरमाया कि मेरी तबीयत इस साहिल की वजह से बेचैन थी और मैंने दुआ भी की थी, खुदा उसे वापस लाए। रवायत हज़रत मलक बरकत अली साहेब वल मलक वज़ीर बख्श साहेब, एक दफ़ा जबकि मैं बोछरा बंगला नहर लोअर जेहलम ज़िला सरगोधे में था कि एक सब डिवीजनल अफसर मिस्टर हावर्ड मेरे ख़िलाफ़ हो गया। मैंने हज़रत अक़दस की खिदमत में दुआ के लिए दरख्वास्त की, हजूर की तरफ से एक कार्ड पर जवाब आया कि दुआ की है, अल्लाह ताला रहम करेगा। इत्तफाक से यह ख़त एक शख्स पर्स नाम के हाथ आ गया और उसने पढ़ लिया और उसने मुझे आकर कहा कि मुकदमा आपके हक़ में हो गया है और आप बरी हो गए हैं। मैं हैरान हुआ और पूछा कि आपको कैसे इल्म हुआ? उसने वो कार्ड मुझे दिखाया और कहा कि इस पर लिखा हुआ है। मैंने उससे पढ़ा और कहा कि यहाँ तो ये नहीं लिखा कि आप बरी हो गए हैं। वो बोला कि इतने बड़े खुदा के बंदे ने आपके लिए दुआ की है, भला आप कैसे हो सकता है कि आप बरी ना हो। चुनाचे उस ख़त के मुताबिक थोड़े ही अरसे के बाद मैं बरी हो गया, और बावजूद इस बात के कि मैं क्लर्क था और झगड़ा एक अंग्रेज़ सब डिविजनल अफसर के साथ था, मगर इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए सुपरिनटेंडेंट और चीफ इंजीनियर मिस्टर, कोई नाम अंग्रेजी को उर्दू में लिखने की कोशिश की गई है, मिस्टर हैमिल्टन वाले हैं तक आए और खूब अच्छी तरह से इंक्वायरी के बाद मुझे बरी कर दिया। एक रवायत हज़रत डॉक्टर इत्रुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो,
अर्ज करते हैं, खाकसार ने फरमाया ना, मैंने हजूर की खिदमत में दुआ के लिए अर्ज किया, हजूर ने फरमाया 3 दफ़ा रब्बाना आतना फिर दुनिया हसनतम फिर आखिरत हसनतम पढ़ लें, फिर अंदर जाकर इम्तिहान दे देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ और खाकसार पास हो गया। एक रवायत हजरत कारी गुलाम हुसैन साहेब, गुलाम यासीन साहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सकना रसूलपुर ज़िला गुजरात की है। जब मैंने बैत की तो मैंने मोहम्मद हयात को, चूंकि मेरा दोस्त था, कहा कि मैंने इमाम महदी को मान लिया है और बैत कर ली है, तू मेरा दोस्त है, तू भी उसे सच्चा मान और बैत कर ले। उसने कहा कि मैं सच्चा मान लेता हूँ, मगर शर्त यह है कि अगर वो सच्चा है तो जो मुकदमा फौजदारी मुझ पर दायर है इस मुकदमे में मुझे कोई ना पूछे तो मैं बैत कर लूँगा। गुलाम कादर ने कहा कि ऐसा करना तो मुनासिब नहीं, अलबत्ता हम हजरत साहब को दुआ के लिए ख़त लिखते हैं। उसने कहा ख़त लिखो या ना लिखो, मेरी शर्त यही है कि मुझे कोई ना पूछे। खैर, गुलाम कादर ने दुआ के लिए लिख दिया। इस पर मुकदमा इसलिए था, एक बेवा से उसने निकाह किया और उस बेवा के देवर ने उस पर अगवा का झूठा मुकदमा दायर किया हुआ था और वारंट की तामील होकर तारीख मुकर्रर थी। इस पर हयात ने कहा कि अगर इमाम महदी सच्चा है तो मुझे कोई ना पूछे, और गुलाम कादर इस शर्त को नामुनासिब ख्याल करता था। उसने दुआ के लिए ख़त लिखा, जब तारीख पर हाजिर हुए तो मुद्दई भी मौजूद नहीं था लेकिन बुलावा नहीं हुआ। आखिर कचहरी बर्खास्त हो गई और हयात घर को आ गया और गुलाम कादर को कहा कि यकीनन इमाम महदी सच्चा है और मैंने मान लिया है, मेरी बैत का ख़त फौरन ही लिख दो। चले, उसने बैत का ख़त लिख दिया। हयात खुशी में आकर गलियों में फिरता और लोगों को कहता कि इमाम महदी आ गया है, मान लो, मैंने भी मान लिया है। मैंने शर्त की थी कि अगर वो सच्चा है तो मुझे मुकदमे में कोई ना पूछे, सो मैं तारीख पर गया हूँ मगर किसी ने नहीं पूछा। वो बड़ा खुश था और लोगों को कहता था कि लोगों बैत कर लो, इमाम महदी जिसकी इंतज़ार किया करते थे आ गया है। लोग हैरान थे कि उसको क्यों नहीं पूछा गया। आखिर मुद्दई ने पड़ताल की कि मेरी मिसल कहाँ है। सरिश्तेदार वगैरह ने बहुत पड़ताल की, मिसल दफ्तर में कोई न थी। मुद्दई ने असरनो फिर दावा किया और फिर वारंट की तामील होकर तारीख मुकर्रर हुई। अब गांव वालों का दाव चल गया और लोग तमस्कर पर तमस्कर उड़ाते और कहते कि अब तुम्हारे मिर्जे को देखते हैं, वो कहता वो यकीनन सच्चा है, मैंने दिल से मान लिया है और मुझे यकीन है कि अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। आखिर फिर तारीख मुकर्रर पर हाजिर हुए और तमाशबीन भी साथ गए। अदालत की तरफ से मुद्दई को बुलावा हुआ, मुद्दई हाजिर न हुआ। वो 3 दफ़ा बुलावा हुआ, कोई न बोला और हयात तो मौजूद था। आखिर कचहरी दरख्वास्त हुई, होने पर हयात घर आ गया और फिर लोगों को शर्मिंदा करता था और कहता था देखो अब भी मुझे किसी ने नहीं पूछा, अब भी तुमको शक बाकी रह गया। गुलाम कादर और हयात ने सोचा कि मालूम तो करें कि मुद्दई क्यों हाजिर नहीं हुआ। मुद्दई का गांव फासले पर था और उन दिनों ताउन का दौर था। दरियाफ्त तो मालूम हुआ कि तारीख के रोज़ वो ताउन से मर गया था। अल्लाह ताला इस ज़माने के शरीर मौलियों को अक़ल दे। इतने अज़ीम-ए-शान वाक़ियात हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, ये पै ब पै इतने कबूलियत दुआ के नमूने मिलते हैं कि अक़ल दंग रह जाती है। आखिर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआ के मुतल्लिक़ ये तहरीर पेश करता हूँ। दुआ करने वालों को खुदा मौजज़ा दिखाएगा और मांगने वालों को एक खारिक आदत नेमत दी जाएगी। दुआ खुदा से आती है और खुदा की तरफ ही जाती है। दुआ से खुदा ऐसा नज़दीक हो जाता है जैसे कि तुम्हारी जान तुमसे नज़दीक है। दुआ की पहली नेमत यह है कि इंसान में पाक तब्दीली पैदा होती है, फिर इस तब्दीली से खुदा भी अपनी सिफात में तब्दीली करता है और उसके सिफात गैर मुतबद्दल हैं, मगर तब्दीली याफ्ता के लिए उसकी एक अलग तजल्ली है जिसको दुनिया नहीं जानती। गोया वो और खुदा है हालांकि और कोई खुदा नहीं, मगर नई तजल्ली नए रंग में उसको जाहिर करती है। तब इस ख़ास तजल्ली की शान में
उस तब्दील याफ्ता के लिए वो काम करता है दूसरों के लिए नहीं करता, यही वो खवारिक हैं। गरज दुआ वो एक सीर है जो एक मुश्त खाक को कीमिया कर देती है, और वो एक पानी है जो अंदरूनी गिलासतों को धो देता है। इस दुआ के साथ रूह पिघलती है और पानी की तरह बहकर आस्ताना हजरत अहदियत पर गिरती है। الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر